कभी ताजमहल में आरती तो कभी कांवड़ लेकर जाने की कोशिश। एक बार फिर ताजमहल और तेजो महाले को लेकर विवाद फिर से शुरू हो गया है। हमेशा से दावा किया जाता रहा है कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महाले बताया जाता रहा है। ताजमहल फिर से आप सबके सामने सुर्खियों में आ गया है। वजह है आपकी स्क्रीन पर वीडियो में दिखाई दे रहे ये दो युवा। रुकिए, अब आपको पूरा मामला आराम से समझाती हूँ। आगरा के ताजमहल में घुसकर दो युवकों ने मुख्य मकबरे पर ऊपर से जल चढ़ाया, दीवार पर ओम का स्टीकर भी चिपकाया। युवकों ने दावा किया कि ये बोतल में गंगा जल लेकर गए थे। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया जिसमें वो कहते हैं कि अब अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए, हर हर महादेव। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को आगरा पुलिस के हवाले कर दिया। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता श्याम और विनेश कुंतल है, मथुरा के रहने वाले हैं। हिंदू महासभा का ये दावा है ये ताजमहल नहीं तेजो महाले शिव मंदिर है। युवकों ने अंदर जाते और जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाकर वायरल भी किया है। हालांकि पुलिस की ओर से ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाए जाने की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। वायरल वीडियो में दोनों युवक ताजमहल के मुख्य मकबरे में पहुंचते हैं। जिस युवक के हाथ में पानी की बोतल है वे उसे मुख्य मकबरे के अंदर कब्र पर चढ़ाता है। कब्र पर पानी डालते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। युवक जिस पानी को कब्र पर डाल रहे हैं वे उसे गंगा जल का दावा कर रहे हैं। दोनों युवकों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और दोनों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। पकड़े गए युवक मथुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आइए अब आपको बताती हूँ कि आखिर हर बार यही विवाद क्यों आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आगरा में ताजमहल के सेंटर पॉइंट पर एक मुख्य गुंबद बना है। इसी गुंबद के नीचे एक बड़ा तहखाना है जिसमें मुमताज और शाहजहां का मकबरा है। ये पूरे साल बंद रहता है, सिर्फ शाहजहां के उर्स पर ही खोला जाता है। इस दौरान तीन दिन एक ताजमहल में फ्री एंट्री एक दिन रहती है। यह बेसमेंट में बना हुआ है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। इन्हीं सीढ़ियों के पास से दो युवकों ने जल चढ़ाया है। इसी बेसमेंट में शिव मंदिर होने का दावा किया जाता है। यह पहला मामला नहीं जब ताजमहल को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ। ताजमहल में विवाद की शुरुआत 1965 में आई PNO की किताब के बाद से हुई। इसमें ताजमहल को तेजो महाले कहा गया। इसके बाद ताजमहल को लेकर अक्सर कई विवाद उठते रहे हैं। पिछले साल भी एक नेता ने ताजमहल के बंद पड़े कमरे में 22 कमरों को खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी।